और भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पे कर रहे हैं मोटो व्लॉग, इसको भगाते हैं यार फुल स्पीड पे, और इसका ना स्पीड चेक करते हैं कि इसका टॉप स्पीड क्या होने वाला है भाई। मतलब यार कोई भी इसको चला सकता है बच्चा, और देख लो अरशद इतना अच्छा चला रहा है, तो आप सोच लो कि भाई कोई बड़ा लोग ना कितना आराम से इसको कंफर्टेबली चला लेगा। वो ना यहाँ रखा हुआ है, ओ भाई लोग गाइस, ये है भाई गुची का टोपी, गुची का कैप। गाइस देख लो अभी अयान पहन कर दिखाने वाला है, और क्या सही से लग रहा है भाई देखने। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज है भाई थर्सडे, और देख लो अरशद तो स्कूल नहीं गया क्योंकि आज स्कूल में है छुट्टी। और एक चीज अभी दिखाने वाले अरशद, काफी एक्सपेंसिव चीज आपको दिखाते हैं यार। तो वो ना यहाँ रखा हुआ है, ओ भाई। तो गाइस देख लो भाई ये क्या है, जिनको मालूम होगा तो भाई उनको तो मालूम ही होगा कि ये क्या है भाई। देख लो ये, देख लो ये भाई, जिनको पता होगा इसके बारे में ना उनको पता होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो जिनको नहीं पता है ना भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये क्या है। तो आपको तो ये बस नॉर्मल सा टोपी लग रहा होगा, और देख लो गाइस ये है भाई गुची का टोपी। तो गाइस ये देख लो इतना महंगा कैप है ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये महंगा कैप, इतना महंगा ब्रांड है। तो अगर गुची को जो लोग जान रहे हो ना भाई, उनको तो पता होगा कि गुची क्या है। और ये भाई देख लो क्या कैप है देखने में, और ये कैप कौन लिया पता है, कौन लिया है ये कैप इनका, गुची का कैप। तो गाइस देख लो भाई क्या सही से कैप है ना। और पता है भाई इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना कितना, 35,000। बट ना यार ये 35,000 का नहीं है, ये है कॉपी। और भाई कॉपी ऐसा है ना कि बिल्कुल लग रहा है कि ओरिजिनल है देखने में, मतलब क्या मस्त सही से लग रहा है ना देखने में। और आप किसी के सामने लेकर भी जाओगे ना, जो गुची कभी इस्तेमाल नहीं ना किया, वो भाई इसे ओरिजिनल समझ जाएगा। और मेरे पास ना एक गुची का बेल्ट भी है, जो भाई ये वाला चीज़ ना ये ओरिजिनल है, मैंने ये काफ़ी पहले लिया था, अप्रॉक्स 8-10 साल पहले, मैंने 6-7 साल पहले पुराना बेल्ट है, और ये वाला बेल्ट ना भाई मेरा ओरिजिनल है। और ये गुची का कैप भी आ गया जो कि कॉपी है बट काफ़ी ओरिजिनल है। तो गाइस देख लो अभी अयान पहन कर दिखाने वाला है, और क्या सही से लग रहा है भाई देखने में ना, पहन कर घूमना, राउंड घूम के दिखाओ। ओ भाई क्या सही सा, मतलब यार फील आ रहा है भाई देखने में कि ओरिजिनल कैप है गुची का। तो देख लो भाई अभी अरशद और अयान ना यहाँ पर लड़ा रहा है पंजा, तो अरफा रेफरी का काम कर रही है। ओ अरशद ताकत लगा, जीत गया, ओ जीत गया, जीत गया। अरे भाई अरशद हारना नहीं है, और अरशद हारना नहीं है, और हाथ जो भी उठा लेगा, अयान हाथ उठा लेगा तो हार। ओ भाई जीत गया। आज हम लोग चलाने वाले हैं भाई इस स्कूटी को, और इस स्कूटी का खास बात है ना भाई कि इसमें ना लाइसेंस चाहिए और ना ही हेलमेट चाहिए। तो आज भाई चलाने वाला है अरशद को, तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस इस स्कूटी को चला के। फर्स्ट टाइम मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने वाला हूँ, तो अभी वो ऑन मत करो, ऑन करोगे तो भाई स्टार्ट हो जाएगा और भागने लग जाएगा, समझ गए ना। वो क्या कर रहा है, आवाज़ भी कर रहा। तो गाइस आज काफ़ी मज़ेदार है ना, आज मैं इस वाले स्कूटी पे मोटो व्लॉग करने वाला हूँ ना। तो अभी आज मैं सबसे पहले मैं चलाऊता हूँ, उसके बाद अरशद चलाने वाला, अरशद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है चलाने के लिए। तो गाइस अभी स्टार्ट हो चुका है भाई, अभी इसे चलाते हैं ना। देख लो पता नहीं कुछ आवाज़ भी नहीं कर रहा, जब तक ब्रेक लिए रहेंगे तब तक ये कुछ नहीं काम करेगा, ब्रेक छोड़ेंगे भाई ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, इतना हल्का फील हो रहा है ना गाइस। तो अभी स्टैंड चढ़ाते हैं इसका, और भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पे कर रहे हैं मोटो व्लॉग, और इसमें ना हेलमेट का ज़रूरत है भाई और ना ही लाइसेंस का ज़रूरत है। विदाउट भाई लाइसेंस हेलमेट का इसको मस्त चला लो भाई, ना पुलिस का झंझट ना चलान का झंझट। तो इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ ना, अभी मोड़ते हैं वापस। ओ भाई तो गाइस अभी इसको भगाते हैं यार फुल स्पीड पे, और इसका ना स्पीड चेक करते हैं कि इसका टॉप स्पीड क्या होने वाला है। तो गाइस देख लो भाई 32, 33। ओ भाई ये इसका फुल स्पीड है भाई, फुल स्पीड है इसका, देख लो मैंने फुल थॉटल दे रखा है भाई। भाई 39 पे ना इसका स्पीडोमीटर रुक गया 40। तो यार इतना हल्का फील हो रहा है ना भाई, इतना हल्का फील हो रहा है कि क्या बताएं, मज़ा आ रहा है यार इसे चलाने में। अरशद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये इसका फुल स्पीड है 40, बस 40 पे ये रुक गया है। तो गाइस तो चलो एक बार और राउंड लेते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा भाई इस स्कूटी को चलाने के बाद।
कोई ऐसा फील भी नहीं हो रहा कि भाई ये बाइक ना स्टार्ट है, इतना ज़्यादा हल्का और इतना ज़्यादा लाइट है ना कि क्या बताऊँ। और लोग ना भाई, लोग का जो रिएक्शन है ना, मतलब हर कोई मेरे को देख रहा है भाई ये बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटी पे ना मोटो व्लॉग कर रहा है, बट कोई जान नहीं रहा ना कि मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ भाई ये स्कूटी। तो अभी काम करते ना साइड में लगाते और देते भाई अरशद को चलाने के लिए। सच में यार इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा ना, इतना हल्का फील हो रहा ना कि क्या ही बताओ, काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आ रहा है ये वाली बाइक को चलाकर। और इतनी छोटी सी बाइक है ना भाई, देख लो मेरा पैर कहाँ ना, मीटर के पास में मेरा पैर है भाई, इतनी छोटी सी बाइक है। फुल थॉटल। ओ भाई इसका चार्ज भी खत्म हो गया, ओ अभी 3 आ गया ना। अभी जब मैं एक्सेलरेटर फुल कर रहा हूँ ना, तो इसका ये बैटरी जो है ना भाई ये डाउन हो जा रहा है, मुझे लग रहा है ना चलेगा भी नहीं। तो अभी रोकते हैं ना, देते हैं अरशद को चलाने के लिए। फर्स्ट टाइम अरशद चलाने वाला हूँ भाई, पता है क्या करना है ना, बस धीरे धीरे इसको देना है। ओए ओए देख लो भाई, इसको देख लो मस्त चला रहा है। ए धीरे 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 धीरे, स्पीड नहीं, धीरे धीरे। तो गाइस देख लो भाई ये भी मस्त चला ले रहा, मतलब यार सही, ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक छोड़ दो, मतलब सही से स्कूटी है भाई, इसको कोई भी चला सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी। ओए वैसे एक्सेलेटर, ब्रेक नहीं लेना, चलो भाई अरशद को, भाई मतलब यार कोई भी इसको चला सकता है बच्चा। और देख लो अरशद इतना अच्छा चला रहा है, तो आप सोच लो कि भाई कोई बड़ा लोग ना कितना आराम से इसको कंफर्टेबली चला लेगा। और देख लो मैं भाई हाथ भी छोड़ दिया और मस्त ये स्कूटी चला रहा है। क्या अरशद मज़ा आ रहा है? चलो। तो ये क्या ना, साइकिल बहुत अच्छा चला लेता है भाई, जिसको भी साइकिल चलाने आता है ना ये वाली स्कूटी कोई भी आराम से चला सकता है। तो इतना हल्का स्कूटी है ना, रेंज अभी भी 47 का दिखा रहा है इसमें। ओ भाई तो एक काम करते हैं ना, अभी लॉन्ग थोड़ा हाईवे पर चलते हैं, बीच रोड पर चलते हैं ना, उधर काफ़ी मज़ा आने वाला है। और देख लो ये तो पूरा मस्त चला ले रहा है। अब चलो रुक, हम चलाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा, बट ना अभी इसका रेंज धीरे धीरे कम हो गया। देख लो अभी 2 बैटरी, मैं जब इस स्कूटी को लेकर आया था तो इसमें टोटल 3 बैटरी था, और अभी 2 सेल ही पता चल रहा है। तो मालूम, पता नहीं यार कहाँ भी डेड हो जाएगा ना, ये भी मालूम नहीं। तो अभी थोड़ा सा चलाते हैं, और जिनसे हम लोगों ने ये बाइक लेके आए ना, उनको भाई वापस करके अपनी बाइक ले लेते हैं। तो ये मेरे को इस बाइक का ना सबसे अच्छा बात लगा कि इसे भाई कोई भी चला लो। और एक चीज़ और ना भाई, जैसे कि मैंने बताया इसमें नो हेलमेट और नो लाइसेंस, ये इस बाइक की ना सबसे बड़ी खासियत है। इसका टॉप स्पीड भाई 40 का है, तो एक्सीडेंट होने का तो कोई चांस नहीं है इस बाइक से। लास्ट टाइम देते हैं अरशद को चलाने के लिए, क्योंकि अरशद बोल रहा है मेरे को और चलाना है। तो अभी अरशद को देते हैं, थोड़ा सा वो चलाएगा, और काफ़ी मज़ा आ रहा भाई, मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। बट ना सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये इसका टॉप स्पीड है 39, इससे ज़्यादा ये ऊपर जाती नहीं है। तो ये इसका चाबी, यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे अनलॉक है, और ये भाई स्टार्ट बटन है, और ये इसका सायरन बटन है भाई, इसको दबा देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगेगी। चलो बैठो। तो गाइस देख लो भाई, अभी चलाने वाला अरशद इस बाइक को ना, स्टैंड उठाने दो, स्टार्ट करो। तो सबसे बड़ा दिक्कत है ना, स्टार्ट होता तो पता नहीं, स्टार्ट है गाड़ी, बस इसको एक बार दाब लो, ब्रेक लेकर इसको दाबो, इसको प्रेस करो, हाँ स्टार्ट हो गया। अब कर इसको छोड़ो और आराम से धीरे धीरे। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी है भाई, मतलब आप सोच सकते हो भाई, ये 4-5 का पढ़ने वाला बच्चा जब इसको चला ले रहा है, तो भाई हर कोई इसको चला लेगा। और कितना बढ़िया से चला रहा है, देख लो भाई, मैंने इसको कुछ भी नहीं करा। स्पीड मत चलाना ज़्यादा, स्पीड वैसे भी ज़्यादा स्पीड जाती नहीं, क्या ही बोलूँ, 40 का स्पीड है इसका टॉप का। और देख लो भाई ये काफ़ी मज़ेदार चला रहा है भाई, अरशद जब चला ले रहा है तो इसे कोई भी चला लेगा। क्या अरशद कैसा लग रहा है? तो गाइस देख लो कितना बढ़िया से ये चला ले रहा है भाई। अभी अरशद से भाई ले लिया मैंने, और मेरे को भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं ये बाइक ना, मेरे को रिटर्न करने का दिल नहीं कर रहा। बट ना देख लो यहाँ पर 1 सेल ही बचा है, तो अभी पता नहीं ये कहाँ पे डेड हो जाएगा ना। इससे अच्छा है कि मैं भाई इसके दे देता हूँ, वो भैया जिनकी गाड़ी है ना, वो अपना इसे चार्ज पे लगा लेंगे। इसका जो रेंज है ना भाई 80 किलोमीटर फुल चार्ज पे ना, ये इसका टोटल रेंज है। तो काफ़ी अच्छा रेंज भी है और सही सा भाई स्पीड भी है। तो ये लो जी पहुँच गए अपने बाइक के पास, तो इसे अभी लगाते हैं साइड में। ये लगी है अपनी बुलेट, और भाई इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जहाँ से मैंने इसे लिया था। और लो इसको पहन लो, इसमें हेलमेट लगेगा, समझ गया ना, इस वाले में सिर्फ हेलमेट नहीं लगेगा,
सच में यार काफी ज्यादा मतलब ना भारी मुझे फील हो रहा है ये वाली बाइक अचानक से चलाने के उस बाइक को चलाने के बाद ना इसे चलाने में यार काफी ज्यादा हेवी फील हो रहा है। सच में अजीब सा फील हो रहा है भाई, लग रहा है बाइक भागी नहीं रही है। और उसमें क्या था ना भाई, थ्रॉटल दो स्पीड कम था बट ना हल्की होने की वजह से लग रहा था काफी तेज चल रहा था। फिलहाल अभी चलते हैं डायरेक्ट घर पे। और भाई आज काफी ज्यादा मजा आ गया, अरशद को भी मजा आया और मेरे को भी मजा आया वो बाइक चलाकर।